अब काशान अमान स्कूल से वापस आ गया है, तुम्हें पूछ रहा है। अब हम आते हैं। अबू माफ कीजिएगा, रुखसार आपका हुक्म ठुकरा कर सारा के साथ आउट हाउस रहने चली गई, इसलिए आप उससे नाराज हैं? रुखसार से नहीं, हम कबीर से नाराज हैं। जो बेटा अपनी बीवी की मोहब्बत में खुद पर की हुई बेइज्जती को भूल जाए, उसका बाप नाराज होने के सिवाय कर ही कह सकता है? अगर आपका छोटा बेटा आपको नाराज कर सकता है तो आपकी बड़ी बहू आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। कैसे? अब तक जारा हमारी बहन की मासूमियत अपने हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब हमारे पास एक ऐसा मौका आया है कि हम अपनी बहन को जारा के चंगुल से निकाल भी सकते हैं और उसे उसके लिए मुसीबत भी बना सकते हैं। कैसे? इतनी छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि रुखसार जारा को हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। अगर हमारे छोटे बेटे ने हमें जारा के सामने मजबूर किया है तो हमारी बड़ी बहू ने हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगाई है। जारा का मकसद कबीर को हमसे छीनना है, तो हमारा मकसद कबीर को जारा से छीनना होगा। रुखसार जी, क्या बात है, आप गुस्से में लग रहे हो? अच्छा, वो थप्पड़ मारने के चक्कर में? हाँ हाँ, हम भूल ही गए। मगर रुखसार, मसला ये है कि थप्पड़ का जवाब कभी भी थप्पड़ नहीं होता। थप्पड़ मारेंगे 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 मारेंगे। आओ बैठ, ये थप्पड़ के बारे में बात करते हैं। मैं एक बात बताओ, क्या जारा तुमसे बड़ी है? हाँ बड़ी है। जहां तक हमने देखा है ना, बड़ों की इज्जत करते हैं, मारते नहीं उन्हें। जारा ने हमें थप्पड़ मारा, हम भी उसे थप्पड़ मारेंगे, हिसाब बराबर। देखो, अगर तुम जारा को एक जोर का थप्पड़ मारोगी ना, तो उसका मतलब है कि थप्पड़ के बदले तुम एक थप्पड़ दे रही हो। हाँ, मगर तुम्हें थप्पड़ के बदले उसे अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया। अल्लाह, हमने सुना है, जहां तक हमने सुना है, अल्लाह उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता है। और अल्लाह ताला के बाद इस नेक काम के हम भी बहुत बड़ा इनाम देंगे। हाँ, अब तुम सोचो, बदला क्या इनाम? इनाम अल्लाह क्या इनाम देंगे? जो तुम्हारे दिल में, सब देंगे। पक्का? पक्का। अब बताओ, थप्पड़ मारोगी या इनाम? बहुत खूब। हमारा हक छीन रही थी, हमारे कबीर को पाने की कोशिश कर रही थी। उकसार का दिल उसकी समझ एक बच्ची की है, हम उसे कैसे समझाएं कि वो किस तरीके से कबीर को बेहोश करके कबीर के कमरे में गलत इरादों के साथ गई थी, इसलिए हमने उसे थप्पड़ मारा था। छोटी बहू, हमें थोड़ा सा प्याज, बेसन, हरी मिर्च और तेल दीजिए। क्यों सारुन बाजी, क्या बना रही हैं आप? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है, वो कबीर साहब ने मांगा है। कबीर ने ये सब मांगा है? जी। इन सब चीजों की जरूरत कबीर को क्यों पड़ गई?